तेरे गाइस लौट आए हम फिर से आगे की स्टोरी लेके। तो आ जाओ, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले दे देता हूँ छोटा सा रिकैप। अब तक आपने देखा कि विमल चुड़ैल एडम के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाती, तभी वहाँ पर भूतिया टकलू आ जाता है। भूतिया टकलू एडम को देख के उसको खाने के लिए झपट पड़ता है। तभी विमल चुड़ैल ने भूतिया टकलू को मारा एक थप्पड़ और बोला कि इसको खाने की सोचना भी मत। और उधर दूसरे साइड एवेंजर्स लोक में हल्क आयरन मैन से गुस्सा होकर वो देश छोड़ के जा रहा था, और GTA 5 वर्ल्ड में हिप हॉप मिशन को अंजाम देने के लिए अपने बॉस और सकुरा का वेट कर रहा था। तो अब उसके आगे अरे गाइस अभी स्टोरी स्टार्ट कहाँ हुई। पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को फॉलो कर लो। और हाँ गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको वीडियो में बहुत मजा आएगा। आओ मंकी मैन, बहुत जल्दी आ गए तुम। सॉरी बॉस, आपको पता ही है ये मिशन कितना डेंजर है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते ना। तो थोड़ा लेट हो गया। ये सब छोड़ मंकी, ये बता तेरी को जो काम मिला वो परफेक्ट हुआ है ना। हाँ बॉस बिल्कुल, उधर कार के पास चलो। बॉस आपने जैसा बोला था ना, बिल्कुल मैंने वैसा ही काम किया है। ये देखो बॉस, इन सारी कारों का प्राइस करोड़ों में है, और हर कार के टायर में बम और बारूद है, और डिग्गी में मिसाइल है। लेकिन बॉस सबसे चौंकाने वाली बात ये है, कार्स के सीट में, उस सीट में हमने परमाणु बम को रख दिया है। बहुत सही मंकी, ये देख के तो माइकल बॉस खुश हो जाएंगे। हेलो छोटू, बोल क्या बात है। सर माइकल और सकुरा बॉस आ रहे हैं। ठीक है मैं आता हूँ। आइए माइकल बॉस, ये है हमारा हेलीकॉप्टर, आज हम इससे चलेंगे। सकुरा इसमें फुल सेफ्टी है ना। हाँ बॉस बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको सेफली अड्डे पे पहुँचा देंगे। ठीक है सकुरा, लेकिन आज हमसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमको पता है ना ये मिशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ बॉस बिल्कुल, हम एक भी गलती नहीं करेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है सकुरा, बस हिप्पो और मंकी मैन उन दोनों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। नहीं बॉस टेंशन मत लीजिए, वो हमारे भाई हिप्पो। बॉस मेरे मन में बहुत दिनों से एक क्वेश्चन आ रहा, लेकिन आपके डर से मैं कभी पूछ नहीं सका, लेकिन आज मैं पूछ ही लेता हूँ। बॉस आप एडम से इतना जलते क्यों हैं? वो मर गया फिर भी इतनी जलन क्यों बॉस? वो बंदा तो नेक है। नहीं मंकी मैन, मैं पहले एडम से जलता नहीं था, लेकिन भाई यार जब से उस भिखारी को हमने भगाया है तब से मजा नहीं। अरे दादो रे, कौन है रे मंडारा? अबे ओ नुमड़े, तेरे को दिखाई नहीं देता, अबे भिखारी तू। हाँ मैं भिखारी नहीं डॉन बोल, अभी तेरी डॉन की हेकड़ी निकालता हूँ, ये ले उड़ दो तो बंदूक। हाँ और ये चलती भी है। क्या बोला था तूने? भिखारी इस एरिया में दिखाई मत देना। लो मैं आ गया, अब बोल क्या कर लेगा तू। डॉन एडम प्लीज हम दोनों को माफ कर दो, हम दोनों से गलती हो गई। माफी? माफी सिर्फ भगवान से मिलती है, डॉन एडम से सिर्फ मौत। और फिर मैं वहाँ से किसी तरीके से बच के तो आ गया, पर मेरा भाई बॉस अभी अभी खबर आई है, ब्लैक एडम ने एक नई चाल चल दी, उसने क्रिमिनल डाकुओं को GTA 5 वर्ल्ड में बुला लिया है। हे ये तुम क्या बोल रहे हो, क्रिमिनल डाकू? हाँ बॉस हाँ, क्रिमिनल डाकू ही। अरे ये कैसी प्लेन आ रही है, ये तो इस एयरपोर्ट की नहीं लगती है। चलो डाकू भाइयों, हम लोग आज फिर से आ गए हैं GTA 5 में। वेलकम बैक डॉन क्रिमिनल्स, आपका GTA 5 की दुनिया में स्वागत है। अबे ओ नमूने, मैं इतनी दूर स्वागत के लिए नहीं आया, ब्लैक एडम का चमचा है, चल ले चल मुझे ब्लैक एडम के पास। मेरे पास तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है, अगर बहस किया तो मारा जाएगा। आइए बॉस, बैक गेट इधर से है। ठीक है सकुरा तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। आओ आओ माइकल, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। बेटे सकुरा एक बार मुझे पहुँचने तो दे, तू तो गया। सकुरा पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। माइकल बॉस मैं तो आपका ही आदमी हूँ, लेकिन अब नहीं। माइकल के मरते ही सारी की सारी फौज आपस में लड़ने लगी, क्योंकि कुछ फौज सकुरा की तो कुछ हिप हॉप की तो कुछ माइकल की थी, और देखते ही देखते सब के सब मर के खत्म हो गए। फिर आगे सिर्फ बचा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।